कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पीपली चिड़ियाघर को मार्च माह से आम जन के लिए बंद कर दिया गया था। इस लॉकडाउन के बीच पीपली चिड़ियाघर में 17 मई को अधिकारियों को एक खुशी की खबर पीपली चिड़ियाघर में शेरनी साक्षी ने दी। इस दिन साक्षी ने 3 शावकों को जन्म दिया। इन शावकों को पीपली चिड़ियाघर के अधिकारी सीसीटीवी कैमरों की मदद से देख रहे हैं। इसी बीच शेरनी के 3 बच्चों में से एक बच्चे की कमजोरी के चलते मौत हो गई, जिसे साक्षी ने खुद स्वस्थ बच्चों से अलग कर दिया। चिड़ियाघर के अधिकारी साक्षी के पिंजरे में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से साक्षी की निगरानी कर रहे हैं। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने देखा कि साक्षी ने 48 घंटे बाद मृतक शावक को दूसरे शावकों से अलग कर दिया है। पीपली चिड़ियाघर के निरीक्षक तेजबीर सिंह ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि साक्षी ने 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 2 बच्चों की देखभाल स्वयं साक्षी कर रही है और उनको दूध भी पिला रही है। इस समय अधिकारी और कर्मचारी केवल सीसीटीवी कैमरे की नजर से ही साक्षी और उनके दोनों बच्चों पर नजर रखे हुए हैं। साक्षी को चिकित्सक डॉक्टर अशोक खाजा की सलाह के अनुसार भोजन दिया जा रहा है। 3 शाम को कब दिया शेरनी ने? ये सर 17 मई को सुबह के टाइम जन्म दिया साक्षी ने, जो 17 जून को हमने सवेरे सवेरे इनका जन्म हुआ। 17 जून कितने बच्चे दिए थे? कितने सर? इसने 3 बच्चे दिए, जिनमें से 24 घंटे के बाद एक बच्चा कमजोरी की वजह से डेथ होगी, जिसको शेरनी ने अपने आप ही उस जगह से दूर हटा दिया ताकि दूसरों को संक्रमणों से बचाया जा सके, और बाकी 2 बच्चों को ये अपने नज़दीक लगा के उनको दूध पिला रही है, जिसको हम कैमरे से देख रहे हैं। 24 घंटे हम इन पर नज़र रख रहे हैं कैमरे से, और डॉक्टर के दिशा निर्देश अनुसार फीड पानी जो भी है वो शेरनी को दे रहे हैं, और वो आके उसको भी देखते हैं, वो फीड भी लेती है, पानी भी पीती है, और फिर वापस बच्चों के पास।